मेरी समस्या मेरा आदमी ने बहुत मारता है बहुत गाली देता है बहुत ऐसा पंद्रह साल हो रहा है तीन चार महीने के चालू हो गया शादी हो गया तीन चार महीने से चालू हो गया मेरा समाज वाला भी आके बात किया है फिर लड़की पैदा हो गई फिर बाद में डेढ़ साल के बाद भी मेरा जो पंचायत जो लोग रहता है लोग के सामने बिटा दिया है फिर भी ऐसे मार पीट ऐसे चिल रहा है दो उनका इतना पंद्रह साल से मैं चला के चला के लेके आया कितना बार भी मैंने कोशिश किया है चलो अभी घर तोटेगा इतना मत करो मेरे को परेशान मत करो फिजिकल अरेस्टमेंट मत करना मेरे को ऐसा सुबह से रात तक जो ही ना कोई कोई छोटा छोटा मोटा कारण पकड़ के बहुत मारते रहते है बहुत ऐसा गाली देता है और जो पंद्रह साल में बच्चों को भी ख्याल नहीं रखता है कोई दवाखाना भी कोई बुखार भी आए बच्चों को भी नहीं लेके जाता या मेरे को भी ख्याल नहीं रखता है

सुरने के लिए लेकिन वो सुतरने वाला नहीं रह रहा और ज्यादा बढ़ रहा है उनकी समस्या अभी ज्यादा मेरे को मार रहा है ज्यादा बहुत मार लिया अभी तक मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हुआ अभी अगस्त पंद्रह पाँच तारीख को मेरे को मारा है इतना मारा रात को एक बजे को डेढ़ बजे को पूरा दरवाजा बंद करके इतना स्टील रा... रॉड से मेरे को मारा है उसी टाइम पे मेरे को चक्कर आ गया पूरा मेरा मुंह एकदम सांस भी बंद हो गया मेरा सास ससुर मेरे बच्चे उठ के सब हॉस्पिटल में लेके गया रातों रात को तो मेरा सासुर ने बोला ये ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है ऐसा छोड़ दो दो इंजेक्शन लगा दो दो बाटला चढ़ाओ छोड़ दो घर पे भेज दो ऐसा बोल दिया डॉक्टर को फिर दो इंजेक्शन दो बाटला चढ़ा के फिर छोड़ दिया घर पे मेरा कोई इधर कोई रिश्तेदार भी नहीं है अभी मेरे को माँ बाप गाँव में रहता है फिर चार लोग चार दिन के बाद उन लोग को पता चला फिर मार के मेरे पा, पापा को फ़ोन किया है तो मेरा पापा फिर वापस फ़ोन करके बोला क्या हो गया तेरा लड़के ऐसा ऐसा कर रहा है आके लेके जाओ ऐसा बोला तो मेरा पापा मेरे भाई चार दिन के बाद आ गया तो बोला क्या है तो तेरे जरा लड़की में जैसे बोलेगी तो वैसे रहने का नहीं ये तो मेरे घर पे नहीं रहने का ऐसे बोल के धमकी दिया तेरा बड़ा लड़की को मार डाल दिया मेरा बड़ी बहन भी ऑफ हो गई थी उनका आदमी भी अच्छा नहीं थे तो वो भी ऑफ हो गई थी तो वो ये बोल रहा है जो मेरे बाजू में एक लड़की को उन लोग सास ससुर भी मार डाल दिया इन लोग क्या बोलते हैं धमकी देता है बार बार जो उनको क्या किया है मेरे को क्या करेगा चार साल में अंदर रख के आ जाऊँगा तुम लोग क्या करे कुछ भी नहीं कर सकते मेरे को ऐसा जीजा जी है, अच्छा, है, तो है।, है। हाँ। नगर एरिया का वो बार बार अभी मेरा पोलिटिशियन का पावर दिखाऊंगा ऐसा बोल रहा है किसका नाम लेके तो ऐसा सी आर पाटिल या कोई संगीता बेन की पीछे रहता है ना वो संगीता बेन की पीछे रहता है वो

मैंने पुलिस के पास लिख के दे दो मेरे को रक्षा के लिए मेरे को कभी मारने का नहीं है मेरे को टॉर्चर करने का नहीं है mm. फिजिकल हरासमेंट करने का नहीं है मेरे को लिख के दे दो ऐसे बोल दिया मेरे आदमी ने उसी दिन भाग गया भाग के पंद्रह दिन के बाद अभी आ गया तो मैंने देखा वो भी बोला पंद्रह दिन एक बार फोन किया पंद्रह दिन में बीच में एक बार बोल दिया फोन करके मैं अभी आने वाला नहीं है चार महीने के बाद आने वाला मैं अभी आने वाला उसको किया कि नहीं नहीं किया है अभी तक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है अभी आ गया वो अभी सीधा पुलिस स्टेशन में भी आ गया लेकिन कोई देखता भी नहीं है उसको अभी आपको क्या लगता है पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी अभी क्या पता नहीं चल रहा है पुलिस लोग अभी मैंने अभी तक केस करके अभी चार दिन हो रहा है मैंने कोई एक्शन नहीं, नहीं लिया है आपका okay. क्या नाम है दीपिका दीपिका आपकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है जब से मेरा जब से मेरा नॉलेज आया तब से पप्पा दादा दादी सब लोग मम्मी को बहुत टॉर्चर करते हैं पप्पा भी बहुत टॉर्चर करता है जब हम लोग जाके पूछते हैं तो हमको भी मार पड़ता है बोलता है तुम लोग इधर से जाओ तुमको कुछ पता नहीं है और रात को भी डोर बंद करके मम्मी को बहुत मारता है हम लोग पूछते हैं तो बोलता है टेंशन के वजह से होता है ये सब कुछ ऐसा पूछते हैं कितने टाइम से आप देख रही हो ये सब ये बहुत दिन से जब से मैं बचपन से ही